वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा पहला लेक्चर रिवीजन क्लासेस का। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस काफ़ी जल्दी आने वाले हैं, तो चलिए हम भी शुरू करते हैं हमारी रिवीजन के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पहला चैप्टर क्लास 11th का, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट, और उसमें हमारा पहला टॉपिक मोल कंसेप्ट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मोल कंसेप्ट हमारे पास तीन तरह का होता है। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ वेट, सेकेंड इन टर्म्स ऑफ नंबर, एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेट की। इन टर्म्स ऑफ वेट हमारे पास एक मोल कितना होता है? तो याद रखिए, इन टर्म्स ऑफ वेट वन मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच वेट्स इक्वल्स टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये था हमारा इन टर्म्स ऑफ वेट। आगे चलते हैं हम इन टर्म्स ऑफ नंबर की। इन टर्म्स ऑफ नंबर हमारे पास वन मोल कितना होता है? इन टर्म्स ऑफ नंबर वन मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स 6.02 × 10⁻²³ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम एन ए सी भी जानते हैं। कहीं भी एन ए लिखा होगा या फिर 6.02 × 10⁻²³ लिखा होगा, इसका मतलब हमारा एवोगैड्रो नंबर ही होता है। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड एंड लास्ट की तरफ, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है। रिमेंबर, सिर्फ गैसेस के लिए ही रहता है ये हमारे पास, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वन मोल की डेफिनेशन क्या बनेगी? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वन मोल इज दैट सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स और 22,400 सीसीज ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी। याद रखिए, एसटीपी क्या होता है? एसटीपी कंडीशन हमारी वो होती है जिसमें हमारे पास 273 केल्विन टेम्परेचर हो या फिर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास प्रेशर हो। तो ये हमारी कंडीशन है एसटीपी की। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स डिवाइडेड बाई 22.4। तो ये थे हमारे तीनों फॉर्मूले, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब हम तीनों फॉर्मूलों को हम कंबाइन कर भी लिख सकते हैं, बिकॉज तीनों हमारे नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले हैं। तो इन तीनों को जब भी हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल फार्मूला एक ऐसे बन जाता है। आगे चल के न्यूमेरिकल्स में ये काफ़ी काम आएगा हमारे, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाता है सामने। फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 2.4 ग्राम्स ऑफ CO2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमको गिवन क्या है। क्या गिवन है हमें? वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 कितना है? वेट ऑफ CO2 2.4 ग्राम्स। निकालना क्या है हमें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फाइन, तो अब देखो, हमको वेट ऑफ CO2 गिवन है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। कौन से दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे जिसमें हमको वेट गिवन है और जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं? तो हमको ये पता चल गया कि ये दो फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो दोनों फॉर्मूले को हम लिखेंगे, वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल है CO2, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वेट कितना गिवन है हमें? 2.4। तो 2.4 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है? 44 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 44, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमने ढूंढना है। n इज हमारा एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.02 × 10⁻²³। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻²³। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा देखते हैं। 2.4 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 6.02, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा, दिस इम्प्लाइज 0.32 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बनता है। हमारे पास इसमें टोटल 0.32 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ मिलकर करेंगे, साथ साथ आप भी करिए, मैं भी कर रही हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास व्हेन 40 ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 3.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या गिवन है, क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, कितने हैं मॉलिक्यूल्स हमारे पास, 3.01 × 10⁻²। और वेट हमको गिवन है, कितना वेट है हमारे पास, 40 ग्राम्स, वेट इज इक्वल्स टू 40 ग्राम्स। और हमको ढूंढना क्या है, मॉलिक्यूलर मास, कौन से फॉर्मूले लेंगे हम, दो बताइए चलिए, जिसमें हमको मॉलिक्यूलर मास, वेट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है हमें, वेट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम इस फॉर्मूले को लेंगे और इसमें हमारी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के हमारे पास क्या आएगा, वेट कितना है 40, मॉलिक्यूलर मास हमें ढूंढना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको गिवन है 3.01 × 10⁻², डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.02 × 10⁻²। यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे 2, वहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40 × 2 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 80। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है आंसर के साथ, ऑप्शन ए 80। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 80। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 ग्राम्स ऑफ C6H12O6। यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि C6H12O6 एक पूरा मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें ढूंढने हैं। और हमको वेट गिवन है, हमारे तीनों फॉर्मूले आपके सामने ये रहे, वेट गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं, अगेन सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम क्या ये गिवन है हमें, वेट ऑफ C6H12O6 कितना गिवन है हमें, 1.8 ग्राम्स। हम जानते हैं C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना होता है, 180 ग्राम्स। फाइन, और हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं, सेम फॉर्मूले, वैल्यू पुट करेंगे, वेट गिवन है 1.8, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 180, विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब हमको ऑप्शन में हमारे जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं, हमको एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में ही गिवन है, तो हम भी यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर को NA ही लिखते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करते, इजी रहेगा हमारे लिए भी, और ऑप्शन में भी ऐसे ही गिवन है। तो 1.8 डिवाइडेड बाय 180 कितना आएगा, 0.01 इंटू NA कर दें हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NA ऊपर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.01 × NA, जो कि है हमारा एवोगैड्रो नंबर। ऑप्शन ए मैच कर रहा है हमारे आंसर से, तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 0.01 × NA। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास 1.8 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, द अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ HB इज 67,200। 67,200 हमको गिवन है मॉलिक्यूलर मास HB का। HB क्या होता है, हीमोग्लोबिन, एंड कंटेन 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। आयरन हमारे पास हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है 0.33%, एंड हमको ढूंढना है नंबर ऑफ आयरन एटम्स पर मॉलिक्यूल। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, चलिए, जब भी हमको गिवन है 2.33% आयरन हमारे पास है हीमोग्लोबिन में, तो हम देखते हैं इसका मतलब हमारे पास 100 AMU ऑफ HB में कितने आयरन एटम, कितना AMU ऑफ आयरन होगा, 0.33 AMU ऑफ आयरन होगा, यही तो मतलब हुआ ना 0.33% का। फाइन, अब टोटल हमारे पास वेट कितना है HB का, 67,200 AMU HB हमारे पास है, तो कितना होगा हमारे पास टोटल FE, 0.33 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 67,200, यही रहेगा, कैलकुलेट करो कितना आएगा, 0.33 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 67,200। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 221.76 AMU ऑफ FE।
तो मतलब हमारे पास इतना एफ ई ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एफ ई एटम्स हमें निकालने हैं। तो यहाँ से हमने टोटल ए एम यू ऑफ एफ ई निकाल लिया। अब एफ ई एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन ए एम यू डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको ए एम यू में वेट गिवन है तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होगा हमारे पास गिवन ए एम यू डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। तो गिवन ए एम यू हमें कितना था, 22.7। एटॉमिक मास कितना होता है एफ़ी का, हमको गिवन भी है यहाँ पर और हमें याद भी है, 56। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.9, और 3.9 को राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि हमको होल नंबर में ऑप्शंस गिवन है, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर बनेगा हमारे पास, 4, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारे पास इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्लियर है क्वेश्चन। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एट STP इज 5 लीटर्स। मतलब हमको क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एट STP इज 5 लीटर। तो चलिए हमको, और वॉट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एट STP। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं तो मैं दो सेक्शंस बना लेती हूँ, एक H2 का और एक O2 का, फाइन। अब हमारे पास, हमको ये कहा गया है कि एक्स मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास और 5 लीटर्स पे, ठीक है, वॉल्यूम जो है हमारा एक्स मॉलिक्यूल्स का STP पे वो है 5 लीटर्स, ठीक है। तो हमको ढूंढना क्या है, वॉट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एट STP। मतलब सेम कंडीशन पे, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हमारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। मॉलिक्यूल्स हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम गिवन है STP पे, मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं तो कौन से फॉर्मूले लेंगे हम, नंबर डिवाइडेड बाय NA इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4। ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं तो इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय NA इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर्स कितना है, 5 डिवाइडेड बाय 22.4। जहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 5 डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू NA। मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ ताकि हमारे लिए आगे कैलकुलेशन ईजी रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं O2 की। अब O2 में क्या है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमको निकालना है वॉल्यूम। तो अगेन मॉलिक्यूल्स हमें पता है कितने हैं, वॉल्यूम निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास, 5 upon 22.4 into NA, और डिवाइड भी करेंगे हम इसको एवोगैड्रो नंबर से, डिवाइडेड बाय NA विच इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो यहाँ से हम देखेंगे NA से NA कैंसिल हो जाएगा और 22.4 से 22.4 भी कैंसिल हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन है। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना बना लास्ट में, 5 लीटर्स, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन देखो किस में 5 है, डी ऑप्शन दैट इज 5 लीटर्स, ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, 5 लीटर्स। तो अब हम चलते हैं हमारे फाइनल एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फॉर 1.8 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, हमको ग्लूकोज गिवन है 1.8 ग्राम्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ढूंढने हैं फॉर 1.8 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या गिवन है, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन है हमें, 1.8 ग्राम्स, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ढूंढने हैं, कार्बन एटम्स हमको ढूंढने हैं, फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर ये रहे। अब देखिए हमको टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं ढूंढने हैं, सिर्फ कार्बन एटम्स ढूंढने हैं। तो हम कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें ग्लूकोज के 1.8 ग्राम्स में, फिर हम आगे चलते हैं। कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे, अब तक हमें पता ही चल गया कि ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे। तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, 1.8 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का हमने अभी पढ़ा था कितना होता है, 180, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, फाइन, यही रहेगा हमारे पास।
तो ये हमारे पास 0.01 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 आ गया हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फाइन, अब देखो ये हमारे नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए। अब हमको क्या देखना है, देखो अब ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6, मतलब एक C6H12O6 में हमारे पास कितने कार्बन आटम है, 6 कार्बन आटम। तो अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल आए हैं ग्लूकोज के, इतने, तो इतने में कितने कार्बन आटम्स होंगे हमारे पास, 0.01 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 6। फाइन, यही होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 और इतने कार्बन आटम्स हमारे पास होंगे इन 1.8 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे एंड आपका मोल कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।